नमस्कार, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। सर्दियाँ बहुत है और हमें मन नहीं होता कि हम चपाती बनाएं शाम के टाइम, तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल रेसिपी बता रही थी, मटर के चावल। ये फटाफट बनने वाली चीज़ है। आपके पास अगर प्याज कटी हुई है, थोड़ा सा आप डाल दीजिए इसके अंदर स्प्रिंग अनियन, और थोड़ी सी हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, और मैं डालूंगी ये बे लीफ, और हम इसको थोड़ा सॉटे करेंगे। अब देखिए प्याज हमारा हो गया है, तो मैं डालूंगी थोड़ा सा ये लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा ये अदरक का पेस्ट। बस सिंपल सी एक रेसिपी हम बनाने जा रहे थे, और इसके अंदर अब जाएंगे रेगुलर मसाले। तो ये मैंने नमक लिया है, नमक मैं थोड़ा ज़्यादा लूँगी क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं मटर का, और मिर्च में थोड़ी हल्की ही लूँगी क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली है। तो ये डालने के बाद ये हम डाल देंगे अपनी मटर इसके अंदर। अब थोड़ी देर मटर को भूनेंगे, और इसमें एक चीज़ और जाएगी, वो है हमारा पिसा हुआ घर का गरम मसाला। आप इसके अंदर भुना जीरा भी डाल सकते हैं, मैंने भुना जीरा अपने गरम मसाले में ही डाल के रखा है। तो बस ये देखिए, और इधर मैंने ये लॉन्ग ग्रेन राइस अपना भिगा के रख दिया। ये मेरा इंडिया गेट चावल है, जिसको मैं थोड़ी देर बाद इसमें डालूंगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी पानी, और हम एक इसमें सीटी लगाएंगे जब तक हमारे चावल भी हो जाएंगे, और फिर हम चावल में सीटी नहीं लगाएंगे, चावल को सिर्फ दम करेंगे। तो बस अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, और एक सीटी आने के बाद आपसे मिलती हूँ। अब देखिए ये मटर गल चुकी है, इसके अंदर बिल्कुल बढ़िया दाना गल गया। तो क्योंकि ताज़ी मटर है तो ज़्यादा समय नहीं लगता, और अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर ये चावल, और इसको बिल्कुल धीमी आग पर हम दम करेंगे। अब हमको इसमें सीटी नहीं लगानी, सिर्फ इस तरह से इसको रख के हम दम कर देंगे, और फिर मिलते हैं आपसे। तो बस मैं ढक दूंगी इसको इस प्रकार से, और धीमी आंच पे चावल को बनने का इंतजार करते हैं। अब देखिए ये चावल हो गए मटर के बढ़िया तैयार। तो अब मैं करूंगी इसकी प्लेटिंग की तैयारी। ये देखिए बढ़िया बिरयानी बनके हमारी मटर की हो गई तैयार। तो बस इस तरह से मैं करूंगी इसकी प्लेटिंग, बिल्कुल खिला हुआ ये देखिए चावल मटर का, वाओ है ना बढ़िया। तो बस फटाफट बनने वाला ये डिनर हो गया तैयार, और ठंड में आपको परेशानी भी नहीं उठानी पड़ी। और मैं इस पर डाल दूंगी थोड़ी सी धनिया पत्ती। आप इंजॉय करिए इस डिनर को, और मुझे बताइए आपको ये आइडिया सर्दी में कैसा लगा। तो मैं इसको सर्व करूंगी हरे धनिये की चटनी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लव सच इंस्टेंट रेसिपीज़।